नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमने अपनी सेहत को किस तरीके से बरकरार रखना है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा जो खाने पीने का निज़ाम है वो बड़ा नाकस है। हर चीज़ जो है वो मिलावट शुदा है। कोई खुशकिस्मत होगा जिसको दूध जो है वो खालस मिल जाता होगा, या कोई खुशकिस्मत होगा कि जो खालस गंदम का आटा जो है उसको वो मिल जाता होगा। नहीं तो हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो सारी सब स्टैंडर्ड हैं, और इसके साथ जो हम लोग हवा है हमारी वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना आलूदा हो चुकी है, जिससे हमारे फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। तो ये हम एक आलूदा फ़ज़ा में रह रहे हैं और जहरीली ग़ज़ाएँ और सब्ज़ियाँ फ्रूट जो है वो खा रहे हैं, जिसमें केमिकल की खादें और दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो इससे हमारी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही सेहत ख़राब होती है तो हम फ़ौरन जो है ना वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो हालात को देखते हुए मरीज़ उस वक़्त जो महसूस कर रहा होता है, बुखार कर रहा होता है, सर दर्द कर रहा होता है, जिस्म में दर्दें महसूस कर रहा होता है, जोड़ों में दर्दें महसूस कर रहा होता है, तो वो उसको उस हिसाब से दवाइयाँ लिख के दे देता है, वो आगे खा लेता है, जिससे उसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज आपको मैं जो है ना ये तरीका बताऊंगा कि आपने अपने आप को फिट रखने के लिए ख़ुद अपने आप का चेकअप कैसे करना है। तो उसके लिए जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो ये नाज़रीन आप अपनी BMI जो है ये ख़ुद मालूम कर सकते हैं। आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, वो मैं आज आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे आपने अपनी BMI को ना मालूम करना है, और उसके बाद फिर उस तरीके से अपने आप को रहना है, खाना है, या किस तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है। तो सबसे पहले तो आपने अपना जो है भाई वज़न कर लेना है। वज़न जो है ये बाहर से कहीं से भी कर लें, किसी स्केल से, या आपके घर में अगर छोटा स्केल पड़ा हुआ है तो स्केल से जो है ये आप वज़न कर लें। जैसे ये एक स्केल पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर आपने जो है ना ये अपना वज़न कर लेना है। वज़न करके वो कागज़ पे लिख लेना है कि कितने किलोग्राम हो गया। उसके बाद फिर आपने अपना कद जो है वो मेयर करना है, कि जैसे ये दीवार है तो दीवार के साथ ये, अभी मैंने एक उसका अपने दोस्त का इरफान का जो है ये नोट किया है। तो इस तरीके से जो है वो आपने देख लेना कि आपका कद जो है ये कितने फुट है। वज़न जो है ये किलोग्राम में आ गया और कद जो है ये फुट में आ गया। अब आपने इन फुटों को जो है ये मीटर में बदल लेना है कि कितने मीटर हैं। जैसे अभी हमने ये देखा कि इस बंदे का, लड़के का वज़न जो था ये 64 किलोग्राम था और कद 5 फुट और 5 इंच था। तो इन 5 फुट 5 इंच को जो है हमने बदल लिया मीटर में, वो बन गए 1.7 मीटर। तो 1.7 मीटर का हमने मुरब्बा ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो ये बन गया 2.72। तो 2.72 जो है ये इसका ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब फार्मूला ये है कि वज़न तकसीम कद मीटर स्क्वायर में। तो ये 64 तकसीम 2.72, ये हमने ये जो किया हुआ है ये वाला, ये 64 डिवाइडेड बाय 2.72। तो इस तरीके से जो जवाब आएगा वो आ गया है 23.5, 23.5 ये इसकी बॉडी मास इंडेक्स आ गया है हमारे इस लड़के का। तो अब ये हमने देखना है कि इसकी जो है बॉडी मास इंडेक्स का जो लेवल है, कौन कौन सा लेवल जो है वो क्या क्या शो करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो 20 से लेके 25 तक जो है ये नॉर्मल है, मतलब कि आपका जिस्म बिल्कुल नॉर्मल है। आप जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरीके से आप अपने आप को जारी रखें, किसी किस्म की बात परहेजी ना करें, सैर सैर करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट रखें, और मुनासिब जो आप खा रहे हैं वो खाते रहें। तो
जैसे ही आपका बास अगर BMI जो है ये 25 से ऊपर चला जाए, 25 से लेके मतलब कि 26 और 30, 25 से ऊपर चला जाए और 36 तक जो है ये BMI शो करता है कि आप मोटापे की तरफ जो है ना वो आपका जिस्म जा रहा है। तो आपने अब परहेज़ करना है, आपने वो चीज़ें नहीं खानी जिससे मोटापा होता है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ते वाली चीज़ें जो हैं वो आधी कर देनी है या उससे भी आधी कर लेनी है। जैसे मसलन के रोटी, चावल, आलू, आप रोटी 3 टाइम खाते हैं 2 टाइम कर दें, आप रोटियां 2 खाते हैं तो 1 कर दें, 1 खाते हैं तो आधी कर दें। तो इस तरीके से अपने आप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सब्जियां, फ्रूट और सलाद वगैरह खाएं, गोश्त में इसमें खाएं जिसमें बीफ के जो दिल, कलेजी, गुर्दा, दिमाग, इन चीज़ों को आप खाएं। गोश्त, इसकी चर्बी वगैरह जो है ना ये इस्तेमाल करें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम कर दें। अच्छा, उसके बाद BMI का लेवल 30 से ऊपर जाता है। 30 से ऊपर चला गया 35 तक, तो 30 से 35 से ऊपर और फिर 35 तक अगर ये जवाब आए तो आपका जो है ना ये हो गया अपने शदीद मोटापा। मतलब कि आप इस वक्त मोटापे की शिद्दत में मुबतला हैं। बहुत फिक्र करें, बहुत केयर करें। और अगर 35 से ऊपर चला गया है, 35 से ऊपर जाके 40 और इससे भी ऊपर चला गया, तो ये मोहलक मोटापा है। इसका मतलब है कि ये मोहलक है, आपके लिए हलाकत का बायस बन सकता है। किसी वक़्त भी आपका आपको प्रॉब्लम हो सकता है, खुदा ना खास्ता ज़िंदगी से हाथ आप धो बैठते हैं। तो ये तो BMI के लेवल मैंने बता दिए हैं आपको। आप अपना BMI ख़ुद महसूस कर अपने मालूम करें और घर में अपने दूसरे लोगों को मालूम करें और उसके हिसाब से फिर अपने आपका खाना पीना एडजस्ट करें, अपना रहन सहन एडजस्ट करें। 3 चीज़ें जो है ना ये मैं आपको रेगुलर बताता हूँ कि ये आप करते रहें। नंबर 1, एक्सरसाइज, सुबह शाम की सैर करें। नंबर 2, फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है रोज़ा। रोज़े का मतलब ये होता है कि कम खाएं, ठीक है? तो इस तरीके से एक्सरसाइज एंड फास्टिंग और कार्बोहाइड्रेट से जो है ये आपने बड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये बदल जाता है जिस्म में जहाँ पे शुगर में, तो शुगर को फिर हजम करने के लिए लबलबा जो है हमारा पेंक्रियाज वो इंसुलिन छोड़ता है। तो उसके ऊपर अगर बोझ पड़ेगा तो फिर इंसुलिन इतनी नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से फिर शुगर आपके ब्लड में, यूरिन में और इस तरीके से आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका यूरिन में शुगर आ सकती है, ब्लड में शुगर चली जाएगी जिसमें मज़ीद पेचीदगियाँ, जिसम में ब्लड प्रेशर हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, आंखों की बिनाई ख़त्म हो सकती है, गुर्दों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये BMI आप मालूम करें और अपने आप को फिट रखें। आपका ये मेरी बातचीत सुनने का बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।